हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आपका। प्रीवियसली हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर आपकी जो 6.3 है, ठीक है, उसमें आई थिंक फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड जो यस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो दोनों मेथड्स कंप्लीट कर ली थी। नाउ गो फर्दर, ओके। आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आप लोगों को जो 400 वाला सम गिवन था, ठीक है, आप लोगों ने उसको अच्छे से किया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को जो भी नंबर गिवन है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। इफ द गिवन नंबर इज इवन देन यू हैव टू डिवाइड बाय 2, अदरवाइज आगे आपको देखते जाना है 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6, 7, ठीक है, कौन से नंबर से वो डिविजिबल है वो आपको चेक करना है। अभी देखो, आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती होगी तो आपको पता होगा कि ऑब्वियसली अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो आपको 6 से चेक ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या होता है, 2, 3 जार 6 होते हैं, ठीक है। सो आपको 6 से चेक ही नहीं करना है कि वो नंबर 2 से या तो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आता, ठीक है, सो 6 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक लेके उसको पहले लर्न कर लीजिए, उसके रूल्स पढ़ लीजिए, ठीक है, कि अगर आपको कौन सा नंबर गिवन है उसका फॉर्म कैसा है, ठीक है, सो वो किस नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी आना ही चाहिए, बट अगर वो आपको आ जाएगा तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम भी होगी, आपको चेक करना है कि अगर ये नंबर है वो कौन से नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 by 1 सारे नंबर से उसको डिवाइड करोगे, सो उसमें टाइम कंजम्पशन होगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कर लें, और आगे भी मैथ्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा उससे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नंबर 2, दैट इज 400 नंबर 2 जो था। ओके, सो 400, सॉरी नंबर 4 है ना आपका, ठीक है। ओके, 400 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑब्वियसली इवन नंबर है, इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो 400 को जब 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा वहां पे, 400 जो है, इफ यू डिवाइड 400 बाय 2 देन यू गेट 200। सो हियर 200 2 जा 400 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 200 जो है वो किससे डिविजिबल है, 100 से, 100 2 जा 200। नेक्स्ट 50 2 जा 100। नेक्स्ट 25 2 जा 50। नेक्स्ट, अभी देखो 25 जो है वो इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, दैट मीन्स नॉट कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, बट क्या है उसकी यूनिट प्लेस पे 5 है ना। कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस आइदर 0 और 5, ठीक है, सो वो नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, वो 5 से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे 25 जो है ऑब्वियसली 5 5 जार 25, ठीक है, 5 के टेबल में आता है ना 25, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 जार 25। अभी 5 तो प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल्स के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 जार 5 1 5 जार 5। ओके, सो हियर आप लोगों को 400 के फैक्टर्स मिल गए, ठीक
ठीक है। अभी फैक्टर्स को क्या करना है, उसको कंबाइन करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, ओके। सो यहाँ पे जो नंबर्स थे आपके, वो सारे नंबर्स हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए एज वी डन बिफोर, ठीक है, जो नंबर वन में हमने किया था। नाउ आपको क्या करना है, 2 2 की पेयर्स बनानी है, ठीक है। क्यों 2 2 की पेयर्स बनानी है, क्योंकि वहां पे आपको स्क्वायर सेट करना है ना, ठीक है। सो यहाँ पे या की फर्स्ट पे, या की सेकंड पे, या की थर्ड पे। सो हियर 2 into 2 दैट इज 2 square, अगेन 2 into 2, अगेन 2 square, 5 into 5 दैट इज 5 square। Now, 2 into 2 into 5, ठीक है। इन तीनों नंबर्स की पावर जो है वो सेम है, तीनों का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को क्लब कर लेंगे और उसकी कॉमन पावर 2 दे देंगे, ठीक है। सो हियर 2 into 2 into 5, अब कॉमन पावर सब में 2 है, सो हियर 2 हो जाएगा। चलिए 2 into 2 2 2 are 4 5 are 20, 2 2 are 4 5 are 20, 20 square। सो 20 square इज 400। नाउ आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। आपने अभी क्या किया, स्क्वायर फाइंड किया। आपको कोई भी नंबर गिवन है, देखो अभी स्क्वायर में भी ऐसा हो सकता है, आपको गिवन हो कि फाइंड कोई भी नंबर गिवन, ठीक है, वो इसका स्क्वायर है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ तक आपकी प्रोसीजर रखनी है, उससे आगे आपको नहीं करना है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने नंबर वन में किया था वैसे ही आपको करना है, बोथ साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, वी गेट, चलिए स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 400 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 20 square का स्क्वायर रूट। अगेन एज आई सेड अर्लियर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो वहां पे 20 बचेगा। So we can say that square root of 400 equals to 20. So आपको लिखना है यहाँ पे, therefore square root of 400 equals to 20. Okay? So I hope it is clear to you. ठीक है? Same जो हमने first में किया था procedure पूरी, आपको second में करनी है। Okay, now go for the third in third number. Third आपका है 1764. Okay, number 3, that is 1764. Okay, so now सबसे पहले आपको decide करना है कि ये जो given number है वो कौन से number से divisible है. तो even है कि odd है, देखिए सबसे पहले वो 4, जिसकी यूनिट प्लेस जो है वो 4 है, दैट मींस वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और इवन नंबर जो होते हैं वो सारे कौन से नंबर से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो
So here 1764 is divisible by 2, so we have to divide 1764 by 2 and get the quotient as our answer. So 1764 अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 16, 1 6 को मैंने नीचे लिया, अगेन 2 8 16, ठीक है, चल ये 0, 4 को मैंने नीचे लिया, सो वी गेट 2 2 4, सो हियर योर क्वेश्चन इज 882, सो क्या हो जाएगा 882 1764. So first 1764 क्या हो जाएगा 882 1764. चल अगेन 882 which is again even number, so again which is divisible by 2. So when we divide 882 by 2, then we get 449. Okay, chaliye. Now 441, which is not an even number, which is odd number. One, उसकी unit place है वो क्या है? One, ठीक है? उसकी unit place one है. That means वो ऑड नंबर है, ठीक है? अगर वो ऑड नंबर है तो उसको किससे डिवाइड करते हैं वो चेक करना पड़ेगा. तो सबसे पहले 3 के लिए चेक करते हैं, 3 से वो डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है? चलिए 4 + 4 8 8 + 1 9, ठीक है? तीनों डिजिट्स जो है उसका सम 9 आ रहा है और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है. दैट मींस ये होल नंबर जो है, ठीक है, ये पूरा नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3. So if we divide 441 by 3, then 3 ones are 3, 1, 4 को मैंने नीचे लिया, 3 4s are 12, 2, 1 को मैंने नीचे लिया, 3 7s are 21. So we get 147. So यहाँ पे हो जाएगा 147, 3 are 441. Okay, now 147, चलिए again which is an odd number, so वो 2 से divisible नहीं है, तो check करो किससे divisible है. 7 + 4 11, 11 + 1 12, ठीक है? So answer आपका 12 आ रहा है and 12 which is divisible by 3. So again इसको 3 से divide करना है 147 को. So 147 divisible by 3. So you get 49. क्या मिलेगा आपको? 49. 49 3 are 147. Now again 49 is an odd number, so which is not divisible by 2. So आपको क्या करना है? Again check करो कि वो किससे divisible होता है. चलिए 489 that is 13. 13 आ रहा है आपका, दोनों डिजिट का जो सम है वो, एंड 13 जो है वो तो 3 के टेबल में नहीं आता, सो 3 से तो डिविजिबल है नहीं. 4 से चेक करते हैं, तो रिमेंबर कि 4 का जो टेबल है उसमें सारे इवन नंबर्स हैं, नो वन ऑड नंबर्स इन टेबल 4, ठीक है? सो 4 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता. 5 की बात करें तो 5 के टेबल में सारे कैसे नंबर्स आपको मिल रहे हैं? जिसकी यूनिट प्लेस आइदर 0 और 1 है, ठीक है? 6 की बात करें, अगेन 6 इज एन इवन नंबर, सो 6 में भी आपको सारे इवन नंबर्स ही मिलेंगे 6 के टेबल में, ठीक है? 7 के टेबल में चलते हैं, 7 7s are 49, दैट मींस 49 जो है वो किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में. सो हियर 7 7s are 49. चल 7 जो है वो इटसेल्फ अपने टेबल में ही आएगा, ठीक है? बिकॉज इट इज प्राइम नंबर, सो 1 7s are 7. ओके, सो हियर
your prime factorization of 1764. Okay, now as a factor इसको लिखना है. So 1764 equals to, चलिए number सबसे पहले 2, again 2, again 3, next again 3, next 7, again 7. Okay, so there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number in multiplication form. Okay, चलिए what is next procedure? क्या करना है? 2, 2 की pairs बनानी है. So there are 3 pairs. चलिए 2 into 2, which is 2 square, into 3 into 3, that is 3 square, and 7 into 7, that is 7 square. Now here 2 square, 3 square, 7 square, again तीनों numbers की power जो है वो same है, and the numbers are in multiplication, so combine them. So यहाँ पे 2 into 3 into 7, और तीनों को कंबाइन करके सबकी पावर 2 है, तो कॉमन पावर 2 मिल जाएगी. ओके, सो 2 3 are 6, 6 7 are 42. सो हियर 42 square. So we get 42 square equals to 1764. ठीक है, सो आपको पता चल गया कि 42 का square क्या होता है? 1764. But what we need to show here, आप लोगों को यहाँ पे square root दिखाना है. So 1764 का square root क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा. ठीक है, so taking square roots both sides, by taking we get, see 1764 का square root equals to 42 square का square root. Okay, see again square and square root cut. So therefore square root of 1764 equals to 42. Okay, so यहाँ पे आपको मिल गया 1764 का square root क्या होता है? 42. Hence आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल्स टू 20, वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर फोर. सो 4096 नंबर फोर, दैट इज 4096. अगेन यहां पे आपको इससे भी बड़ा नंबर लेना है. ठीक है, सबसे पहले आपने छोटे नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, देन आफ्टर आपको यहाँ पे 1764 गिवन था, एंड देन 4096, अगेन हायर नंबर. सी नंबर जितना भी बड़ा हो, बट आपको अपनी प्रोसीजर जो है वो सेम वे में आगे कंटिन्यू रखनी है. ठीक है, सेम क्राइटेरिया. गिवन नंबर कैसे है वो देखो सबसे पहले. ठीक है, इवन है तो 2 से डिवाइड करते जाओ, ऑड आया तो चेक करो 3 से डिविजिबल है, 5 से है, 7 से है. ठीक है,
अभी देखो 9 से भी अगेन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? बिकॉज 9 जो है ठीक है विच इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है 3 3 9 होता है ना, तो अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है देन ऑब्वियसली वो 9 से भी तो नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि 9 से हो जाएगा और 3 से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 9 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स आप चेक कर लो 3 से ऑब्वियसली डिविजिबल होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये टेस्ट जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। चलिए 4096, सो अगेन गिवन नंबर जो है वो आपका इवन नंबर है, सो इवन नंबर है तो क्या करना है उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, इफ वी डिवाइड 4096 बाय 2 देन वी गेट 2048। ओके, अगेन 2048 इज एन इवन नंबर, सो अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 2। सो अगर हम 2048 को 2 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 1024। अगेन एन और इवन नंबर, सो अगेन हमें उसको 2 से डिवाइड करना है सो वी गेट 512। अगेन इवन नंबर, अगेन डिवाइड करो 2 से सो यहां पे हो जाएगा 256 टू जा 512। अगेन इवन नंबर, अगेन 2 से सो यहां पे हो जाएगा, देखिए आप क्या करना है 256 है 256 का हाफ यानी 125 और ऊपर 6 है तो उसका हाफ 3 हो जाएगा ना, सो 128 हो जाएगा। 128 टू जा 128, अगेन एन इवन नंबर सो अगेन इसको 2 से डिवाइड करो सो किया क्या हो जाएगा 64 टू जा 64, अगेन इवन नंबर अगेन 2 से डिवाइड करो सो हो जाएगा यहाँ पे 32, अगेन इवन नंबर 32, 16 टू जा 16, अगेन इवन नंबर 8 टू जा 8, 4 टू जा 4, 2 टू जा 2, नंबर इटसेल्फ बिकॉज इट इज प्राइम नंबर, सो हियर योर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड्स। ओके, इट्स वेरी बिग, ठीक है, आपको फैक्टर्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, जितना भी सम आगे जाता है आप लोग ले जा सकते हो, ठीक है, उसमें फैक्टर्स क्या है डिवाइड करो जो आंसर है उसका लिखा आपने, अगेन इसको डिवाइड किया, अगेन इसको लिखा, अगेन इसको डिवाइड किया, अगेन लिखा, सो ये पूरी प्रोसीजर चलती रहेगी। सो आपको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये तो बहुत बड़ा है तो बहुत हार्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। सो अगेन 4096 जो है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, so I am writing here because it's too large, equals to c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so there are 12 times 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सो 12 टाइम्स 2 थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, कि नाउ 2 2 की पेयर्स बनानी है, सी वहां पे कितनी पेयर्स आएगी, पेयर नंबर 1 2 3 4 5 and 6, so there are 6 pairs, okay, so
4096 इक्वल्स टू, चलिए 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर, अगेन 2 इंटू 2 अगेन 2 स्क्वायर, अगेन 2 इंटू 2 अगेन 2 स्क्वायर, अगेन सेम एंड लास्ट. सो हियर देर आर 6 टाइम 2 स्क्वायर्स. ओके 2 स्क्वायर इंटू 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 2 स्क्वायर. ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर, सारे नंबर्स की पावर 2 है तो नीचे जो बेस है सबका उसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में क्लब कर लेंगे एंड देन आफ्टर उसको कॉमन पावर दे देंगे दैट इज 2. सो देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2, देन पावर कितनी है उसकी 2. तो उसको हमने 2 पावर दे दी. चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका. ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 एंड 32 2 जार 64. वंस अगेन 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 एंड 32 2 जार 64. सो नीचे जो आपके 2s है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 64 एंड स्क्वायर जो है उसकी पावर वो इज इट इज. सो वी गेट 4096 इक्वल्स टू 64 स्क्वायर. अगेन हमें तो ये फाइनली करना था कि 64 का स्क्वायर 4096 होता है, हमें तो क्या फाइंड करना है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स वी गेट. ओके सो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम यहाँ पे. सो 4096 इक्वल्स टू 64 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ओके सो हियर अगेन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल्स टू ओनली 64 इज देयर. ओके so here your answer. okay so I hope it is clear to you, it's very easy. ठीक है, अभी देखो बार बार एक ही मेथड का सम करने से पूरी मेथड जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी. ठीक है, कि कौन सी प्रोसीजर करनी है, हमें क्या अप्लाई करना है, व्हाट इज द स्टार्टिंग टर्म, ठीक है, एंड एंड ऑफ द फैक्टराइजेशन कौन से स्टेप हमें लिखने हैं एंड स्क्वायर रूट के लिए कि हमें क्या करना है. ओके तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल्स टू 64. ओके सो आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर. ठीक है, एक सम आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं. ठीक है, आई होप आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे. ठीक है, नंबर 9, अभी देखो नंबर 9 जो है, ठीक है, वो छोटा नंबर है बट आपको चेक करने में प्रॉब्लम होगी कि किससे वो डिविजिबल है. ठीक है, काम करता हूँ मैं नंबर 5 आपको होमवर्क में दे देता हूँ. ठीक है, क्योंकि इट्स इवन नंबर है. ठीक है, और 2 से आप डिवाइड करते जाओगे फिर छोटे नंबर से डिविजिबल होगा 1-10 के बीच में. ठीक है, ज़्यादा आगे आपको जाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी. ठीक है, पर अगर जाना पड़ेगा तो आपको जाना है.
ठीक है. सो नंबर फाइव दैट इज 7744 ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है. और साथ में क्लास वर्क जो है वो तो आपको करना ही है, ठीक है. सो होमवर्क में आप लोगों को ये सारे सब्स अपने नोटबुक में लिखने हैं. ओके सो सी नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट सब. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.